सेनमारी में लिप्त कुख्यात अपराधी को तहसील पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मोहम्मद अकीब मोहम्मद सलीम नमक कारखाने के पास गांधीबाग में रहते हैं। गांजा खेत निवासी पीयूष ननवार माता पिता के साथ 16 मार्च को पुणे गए थे। उनके घर से नकदी सहित 4,50,000 रुपए के गहने चुरा लिए गए। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर परिसर के नाबालिग को हिरासत में लिया। उसने भेष बदल कर चोरी की थी। नाबालिग ने चोरी का माल अकीब को सौंपना बताया। इसके बाद से अकीब फरार था। पुलिस को उसके घर में जाने का पता चला। सोमवार को उसे हिरासत में लिया गया। अकीब और नाबालिग से नकदी सहित 4,50,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। अकीब के खिलाफ हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वह काफी समय से अपराध में सक्रिय है। उससे अन्य मामलों का भी पता चल सकता है। यह कार्रवाई पीआई तृप्ति सोनवर्णे के मार्गदर्शन में की गई। 15 मार्च 2022 ते 16 मार्च 2022 या एक दिवसामध्ये फिर्यादी आहे पीयूष अनिल नंदनवार। नांदबाची डोह गांजाखेत चौकाच्या जवळ यांचं घर आहे। यांचे आई वडील दोघंच या ठिकाणी राहतात। फिर्यादी स्वतः पुण्यात नोकरी करतात। त्यांच्या आई वडील पुण्यात असताना घरात कुलूप कडी कोयंडा लावलेला होता, तो तोडून घरफोडी झाली होती। त्या घरफोडीमध्ये आम्ही दिनांक 23/3 एक विधी संघर्षग्रस्त बालक ताब्यात घेतला होता। त्याच्याकडून या चोरीतला काही मुद्देमाल आम्ही हस्तगत केला होता। त्यातला दुसरा जो आरोपी आहे तो आरोपी आज रोजी आम्ही ताब्यात घेऊन त्याला अटक केली आहे। त्याला 2 दिवसाची कस्टडी मिळालेली आहे। त्याच्याकडून आम्हाला या गुन्ह्यातला इतर गेलेला जो मुद्देमाल होता तो मुद्देमाल आम्ही आज हस्तगत केलेला आहे। एकूण 4,49,920 रुपयाचा मुद्देमाल आम्हाला मिळालेला आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।